देखिए विजय सिन्हा जी सबसे पहले जो विधानसभा में बातें रखी गई थी उसी संदर्भ को माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बाहर आकर के बताया कि ऐसी ऐसी बातें विधानसभा में आई है, इसकी जांच कराई जाएगी। जांच की बात अगर किया गया है तो इसमें मानहानि का कहां मामला है? और अगर इनके कोई सदस्य जो इनके पार्टी के हैं, इनके परिवार से संबंधित हैं, अगर इस तरह का कार्य नहीं किए हैं तो फिर क्यों घबरा रहे हैं? घबराहट ये और बेचैनी ये बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है। और इस दाल में काले चीज़ के खिलाफ ये माहौल और परसेप्शन खड़ा करना चाह रहे हैं अपने बचाव में। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर वार पलटवार लगातार जारी है। विपक्ष में बैठी बीजेपी बिहार के महागठबंधन की सरकार पर हमलावर है, तो वहीं तेजस्वी यादव का जिस तरीके से बीते दिनों बयान आया था शराबबंदी कानून को लेकर, विजय सिन्हा को लेकर, इसको लेकर तेजस्वी यादव पर जो है मान हानि का दावा ठोकने की बात कही है विजय सिन्हा ने। हमारे साथ बात करने के लिए एजाज अहमद है, राजद के प्रवक्ता, बात करेंगे। एजाज जी क्या कुछ कहिएगा, लगातार जो है शराबबंदी कानून को लेकर कई बातें सामने निकल के आ रही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी दरअसल माफियाओं के चंगुल में आ चुकी है और माफियाओं को कहीं ना कहीं लाभ पहुँचाने के लिए वो शराबबंदी कानून के खिलाफ एक परसेप्शन खड़ा करना चाहती है और जनता के बीच में भ्रम की स्थिति खड़ा करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आप सत्ता में थे तब आपके मंत्री के घर शराब के 2 ट्रक पकड़े गए, आपके 1 MLC शराब पीते हुए पाए गए, आपके अनेकों नेता और कार्यकर्ता शराब पीते हुए पकड़े गए या उनके यहाँ शराब जब्त हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को शराबबंदी से कोई मतलब नहीं है, बिहार के आम लोगों से कोई मतलब नहीं है। उसको है मतलब कि मेरे जो माफिया हैं, जो हमारे समर्थक हैं, उनको हम कैसे बचाएं, और उसके बचाने के अभियान में इस तरह का ये नित्य नए नए बातें, नए नई सोच लोगों के बीच रखने का काम कर रहे हैं। मानहानि का केस करने की बात कह रहे हैं विजय सिन्हा। देखिए विजय सिन्हा जी सबसे पहले जो विधानसभा में बातें रखी गई थी उसी संदर्भ को माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बाहर आकर के बताया कि ऐसी ऐसी बातें विधानसभा में आई है, इसकी जाँच कराई जाएगी। जांच की बात अगर किया गया है तो इसमें मानहानि का कहां मामला है? और अगर इनके कोई सदस्य जो इनके पार्टी के हैं, इनके परिवार से संबंधित हैं, अगर इस तरह का कार्य नहीं किए हैं तो फिर क्यों घबरा रहे हैं? घबराहट ये और बेचैनी ये बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है। और इस दाल में काले चीज़ के खिलाफ ये माहौल और परसेप्शन खड़ा करना चाह रहे हैं अपने बचाव में, लेकिन चाहकर भी ये अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, चूंकि बिहार की जनता जानती है, बिहार के लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी शराबबंदी के खिलाफ किस तरह का मुहिम चला रही है। लेकिन नीतीश कुमार का जिस तरीके से बीते दिनों बयान आया था, जो पिएगा वो मरेगा, इसको लेकर भी तमाम प्रतिक्रिया दी जा रही है बीजेपी की तरफ से। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बातें कही हैं उस संदर्भ को समझना चाहिए। शराब के संबंध में महात्मा गांधी का विचार था कि ये गलत चीज़ है, सभी धार्मिक जो ग्रंथ है उसमें स्पष्ट रूप से वर्णित है कि शराब पीना किसी भी दृष्टिकोण से, ना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, ना परिवार के दृष्टिकोण से, ना आम लोगों के दृष्टिकोण से, ना ही राज्य के दृष्टिकोण से, ना ही भारत के दृष्टिकोण से उचित है। और उस संदर्भ में इन्होंने लोगों को बताने का काम किया कि शराब किस तरह से आपके परिवार को नुकसान पहुंचाएगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा, आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएगा। और उसी पर इन्होंने कहा कि जब बिहार में शराबबंदी है तो पी क्यों रहे हैं? पीने का मतलब ही है कि कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी से अपने स्वयं खिलवाड़ कर रहे हैं। और इस तरह का जो जहरीली शराब मिल रही है उसमें जो नेक्सस है उस नेक्सस पर हमला किया जा रहा है, चोट किया जा रहा है, और उसी चोट का परिणाम है कि कहीं ना कहीं वो लोग भी बिलबिला करके निकल पड़े हैं जो अपने एम्बुलेंस में शराब ढुलवाने का काम करते थे। और जो भी कांड हुआ है ये भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं संलिप्त रही है या उनके लोग संलिप्त रहे ये प्रमाणित होने लगा है। विजय कुमार सिन्हा का यह भी बयान आया है कि जिस तरीके से बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जितने भी नेता रहते हैं उनकी तमाम नेताओं की जो है ब्लड जांच होनी चाहिए, उनका DNA टेस्ट होना चाहिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम है नहीं, जनहित की बात नहीं करेंगे, जन सरकार की बात नहीं करेंगे, ब्लड सैंपल फलाना चीज़ फलाना चीज़। अरे सबसे पहले तो आप ये स्पष्ट कीजिए ना कि शराबबंदी के पक्ष में आप हैं कि नहीं हैं। अगर शराबबंदी के पक्ष में है, आपने जो शपथ लिया है उस शपथ को तोड़ने का काम क्यों कर रहे हैं?
या तोड़ने वालों का साथ क्यों दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि शराब से इनके सत्ता में रहते हुए भी लोग मरे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक भी नेता, चाहे छपरा में जहरीली शराब से मौत हुई हो, चाहे गोपालगंज में हुई हो, चाहे हाजीपुर में, चाहे समस्तीपुर में, या राज्य के अन्य ज़िले बेतिया और बगहा में, उस समय भारतीय जनता पार्टी की एक भी नेता और कार्यकर्ता उनके प्रति संवेदना प्रकट नहीं करते थे जिनकी मौतें जहरीली शराब पीने से हुई थी, या मुआवजा की बात नहीं करते थे। सत्ता में आप थे तो क्यों नहीं मुआवजा दिलवाए? और माननीय मुख्यमंत्री जी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जब सत्ता में थे तब भी यही बात कहते थे, जो पिएगा वो मरेगा। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी को बुरा नहीं लगता था? उस समय उनकी मानवीय संवेदना कहाँ चली गई थी? सत्ता से बाहर आते ही इनकी मानवीय संवेदना जग जाती है, ये मानवता के प्रति सोच अपना प्रकट करने लगते हैं। कहीं ना कहीं इनको शराबबंदी से तकलीफ है, शराबबंदी अभियान से तकलीफ है, इसी कारण इस तरह का प्रलाप कर रहे हैं और आम जनों के बीच भ्रम की स्थिति खड़ा करना चाहते हैं। अंतिम सवाल रहेगा, सारण में जिस तरीके से जहरीली शराब पीने से मौतें हुई है, उनके परिजनों को क्या कुछ महागठबंधन की सरकार? देखिए, महागठबंधन सरकार का मामला नहीं है। 2016 में जो शराबबंदी की नीति की घोषणा की गई थी उसमें ही स्पष्ट है कि जो भी शराब पीते हुए पाए जाएंगे उनको दंडित किया जाएगा, और जो शराब पी करके अगर गलत तरीके से शराब पी करके उनकी मौत होती है तो सरकार उनको मुआवजा नहीं देगी। इसी तरह से गुजरात में भी जुलाई में जब मौतें हुई थी तो गुजरात सरकार ने मुआवजा नहीं दिया था। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी जब जहरीली शराब से मौतें हुई थी तो सरकार ने मुआवजा नहीं दिया था। भारतीय जनता पार्टी दो तरह की राजनीति क्यों करती है? बिहार में कुछ, गुजरात में कुछ, बिहार में कुछ, उत्तर प्रदेश में कुछ, और सत्ता में कुछ, विपक्ष में कुछ। ये राजनीति अब बिहार में चलने वाली नहीं है, चूँकि महात्मा गांधी के विचारों के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो संकल्प लिया था कि बिहार को हम शराब मुक्त करेंगे, उस संकल्प को आगे बढ़ाने में सभी दलों को सहायता करनी चाहिए, सभी दलों को साथ देना चाहिए। और जो जन जागरण अभियान है, उस जन जागरण अभियान में चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों, चाहे विपक्ष के लोग हों, सबका कर्तव्य बनता है कि बिहार की जनता के हित में, गरीबों के हित में, मजलूमों के हित में, जो शोषित और वंचित हैं उनके हित में ये जो शराबबंदी अभियान है इसको जन आंदोलन का रूप दें और हर घर को, हर लोगों को बताने का काम करें कि शराब पीना आपके साथ, आपके परिवार के साथ कहीं ना कहीं अन्याय होगा, और आप अपने साथ तो अन्याय कर ही रहे हैं, अपने परिवार के साथ भी अन्याय कर रहे हैं, इसलिए शराब नहीं पिए, शराब कोई नहीं पिए। इजाज़ अहमद थे हमारे साथ, राजद के प्रवक्ता हैं। जिस तरीके से शराबबंदी कानून बिहार में लागू हुआ उसमें यह साफ कहा गया था जब लागू हुआ था कि जो भी पिएंगे उनके परिजनों को कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, तो वहीं उनको अगर पीते पकड़े जाते तो उनको दंडित किया जाएगा। तो वहीं बीजेपी को लेकर इजाज़ अहमद ने यह साफ कह दिया है कि दो तरफा जो है बात करते हैं बीजेपी के नेता, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो वहीं शराबबंदी कानून को लेकर जिस तरीके से मौतें हुई है उसको लेकर तमाम बातें हमने की है इजाज़ अहमद से, वहीं क्या कुछ कहते हैं इजाज़ अहमद आपने सुना है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।